दिवाली ऐसा त्योहार है जिसके लिए खूब खरीदारी होती है। खरीदारी मतलब बाजार और बाजार मतलब ब्रांड्स। हर साल दिवाली से पहले कंपनियां नए ऑफर्स, कलेक्शन, डिस्काउंट प्रोडक्ट्स लेकर आती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ब्रांड्स की सिरदर्दी बढ़ गई है। वजह है सोशल मीडिया। जब तक सोशल मीडिया मामले था, ब्रांड्स को इतनी टेंशन नहीं होती थी, लेकिन अब विज्ञापनों में जरा भी इधर उधर करने पर हाय तौबा मच जाती है। फैब इंडिया के दिवाली कलेक्शन के नाम को लेकर विवाद जहन में ताजा है। ऊपर से कुछ ज्वेलरी ब्रांड्स के एड्स में मॉडल ने बिंदी नहीं लगाई तो निशाने पर आ गए। फैशन ब्रांड फैब इंडिया को पिछले दिनों बेहद तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा था। कंपनी ने जश्न रिवाज नाम से दिवाली पर फेस्टिव कलेक्शन लॉन्च किया था। सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब हल्ला मचा कि एक हिंदू त्योहार के कलेक्शन का नाम उर्दू में क्यों है। विवाद बढ़ने पर फैब इंडिया ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था और सफाई देते हुए कहा था कि उनके कलेक्शन का नाम झिलमिल सी दिवाली है। हालांकि फैब इंडिया को लेकर विवाद अभी थमा नहीं है। पिछले साल टाटा ग्रुप के ब्रांड तनिष्क को भी अपना विज्ञापन वापस लेना पड़ा था। उस विज्ञापन में एक मुस्लिम ससुराल में हिंदू दुल्हन की गोद भराई दिखाई गई थी, जिसके बाद कंपनी के कर्मचारी और स्टोर्स को लगातार धमकियां मिलने लगी और ये विज्ञापन वापस लेना पड़ा। ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना? विवादित विज्ञापन की बात हो रही है तो आमिर खान के सियर टायर वाले विज्ञापन को कैसे भूल सकते हैं। इसमें आमिर खान कहते हैं कि सड़क पटाखे जलाने के लिए नहीं होती है। उनका ये कहना कुछ लोगों को रास नहीं आया। लोगों ने कहा, सड़क पटाखे जलाने के लिए नहीं होती तो ये नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं होती है। आईन ब्यूरो। रोड गाड़ी चलाने के लिए, पटाखे जलाने के लिए नहीं। एक दिन हम ऐसे समझदार होंगे